अस्सलाम वालेकुम जी। तो यह है ASIC की वेबसाइट opera.pcx.com। अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि कैसे आप अपने ऑडियो से यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। एक्चुअली ये बुक्स ऑलरेडी रिटन है यहाँ पर। आपको जस्ट जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कोई भी बुक या पैराग्राफ, आपको वैसे पढ़ कर इसको नरेट करना है, इसकी ऑडियो फिलअप करनी है, रिकॉर्ड करनी है और उसको सबमिट करवाना है। कुछ ये भी तरीका बता दूंगा कि कैसे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं फाइवर वगैरह से। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो हम सबसे पहले जाते हैं नरेटर के अंदर, और नरेटर के ऑप्शन में जैसे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी स्केड्यूल 10 स्टेप्स हैं इनके। तो जैसे ये है कि ये अगर आप अपना कोई ऑडिशन देना चाहते हैं ACX के थ्रू, जो बुक्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल हैं अमेजोन पे या एक्टिंग गिग्स वगैरह हैं, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको बताएँगे दो तरह के तरीके हैं कैसे आपको पेड किया जाएगा इसके ऊपर, और पेड करने के भी तरीके। जैसे ये फर्स्ट वाला है कि आप एक सर्टन अमाउंट बता देते हैं उनको, मुझे इतनी कंप्लीट अमाउंट चाहिए। सेकंड ये है कि आप रॉयल्टीज़ कह देते हैं। रॉयल्टीज़ में मतलब ये कि टोटल बुक जितने भी 10 ईयर के लिए सेल आउट हो रही है, जितने भी वक्त के लिए वो सेल आउट हो रही है, उसका एक सर्टन शेयर आपको मिल जाए। और इस शेयर के लिए जैसे मैं अभी कैलकुलेशन कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ बिग पिक्चर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जैसे 1 मिलियन 10 लाख फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स के लिए कोई बुक की सेलिंग होती है एक साल के अंदर, विद इन 3 मंथ और 2 ईयर्स अप टू अ सर्टेन यू नो एज। तो उसमें अगर आप इसमें देखें कि आपकी 10% की रॉयल्टीज हैं, तो वो 10% की रॉयल्टीज अगर एनुअली देखा जाए तो वो $1,00,000 बन जाते हैं, विच इज़ क्वाइट अ वेरी बिग अमाउंट। तो बड़े पिक्चर को सोचने के लिए आप इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर $1,00,000 भी आपको मिल जाते हैं एक साल में, मिल जाए बेशक, मैं बड़े लेवल पर बता रहा हूँ, तो एक्चुअली क्वाइट अ बिग थिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सारे के सारे स्टेप्स हैं क्या। स्टेप 1 है मतलब प्रोफाइल कैसे बनानी है, फिर सैम्पल कैसे ऊपर चढ़ाने हैं, फिर कैसे आपको वो इसकी अमाउंट पे होगी। आपने जैसे 50% ऑफ रॉयल्टीज़ हैं, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो रॉयल्टीज़ एक्चुअली बिग पिक्चर है, आपको इसके लिए ट्राई कर लेना चाहिए कि रॉयल्टीज़ में एक्चुअली एडिशन ज़्यादा होते हैं। फिर ऑडिशंस आ जाते हैं, एक्सेप्ट द ऑफर है, आप रिकॉर्डिंग के लिए चले जाते हैं, घर में बैठ के कर लेते हैं, ठीक है, किसी स्टूडियो के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद आप दोबारा काम के लिए आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक दो चेक कर लीजिएगा, इन सब को डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि आप शेयर रॉयल्टीज के लिए जाएँ, क्योंकि ये एक वो पैसिव इनकम बन जाएगी आपकी कंटिन्यूसली, कि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं। और क्योंकि आप सर्टेन अमाउंट में बता देते हैं कि इतने पैसे मुझे चाहिए, दैट्स इट। तो वो सर्टेन अमाउंट एज इट इज़ आपका काम खत्म होने के बाद मिल जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम की ये है कि सेल आउट के साथ साथ वो आपको उतनी उतनी चीज़ें, उतनी उतनी अमाउंट जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिसीव होती रहेगी। ये थोड़ा सा स्केड्यूल दूसरा है, अगर जो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे आप ये एज एन एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, इस पर क्लिक करें तो अपने मुताबिक की किताब ढूंढ लें। जैसे ये मेरे सामने कुछ आएंगे 1967 टाइटल्स हैं जो अभी यहाँ पर हैं मौजूद, मतलब 1967 बुक्स हैं, 1967 बुक्स हैं जो यहाँ पर पढ़ी हैं। तो इनमें से आपने सर्च आउट कर लेना कौन सी चीज़ें हैं। हमारे पास कुछ फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे ये कंपनसेशन का है, और इस कंपनसेशन के मुताबिक कि आपको आपकी प्रोडक्शन के लिए कितनी अमाउंट दी जाएगी, जैसे $200 है, $400 है, और ये जो PFH है ये पे फॉर आर है। अभी ये देख लेते हैं, जैसे 200 to 400, मतलब 200 से 400 के दरमियान कुछ भी अमाउंट है वो आपको सर्टनली पे कर सकते हैं। और जैसे अभी हम बाकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं इसकी, जैसे मैं कहाँ चलूँगी 400 के साथ, ठीक है, तो इसको अगर अप्लाई करते हैं, ये तो बच्चों की बुक आ गई है, हम ये नहीं, हम बच्चों वाला तो नहीं, खैर कंपनसेशन पर दोबारा जाते हैं और इस ऊपर वाइज चेक करते हैं 200 to 400, ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर 20 टाइटल्स आ गए हैं, तो ये 20 टाइटल्स ही हैं। मुझे सारी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट डाउनलोड करें उसके बाद अपनी ऑडियो दे दें। जैसे ये कंप्लीट चेक करें, रिजेक्टेड मेट्स, रोमांस, और ये सारी की सारी उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि क्या चाहिए क्या नहीं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन ही आवश्यक पढ़ लें। और नरेटर जो है कौन परफॉर्म कर सकता है इसमें, मोस्टली लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए और ऑब्वियसली एडल्ट होना चाहिए। एक्सेंट उसका अमेरिकन जनरल अमेरिकन होना चाहिए, ना देख लीजिएगा
इंडियन है, पाकिस्तानी है एंड वाट्स एवर, ये सारी की सारी बुक्स हैं। यहाँ पे कुछ और फिल्टर्स भी हैं, ये फिल्टर्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर वोकल स्टाइल, एक्सेंट है, लैंग्वेज है। तो एक्सेंट में हम जैसे चेक कर रहे हैं तो ब्रिटिश ब्रिटिश एक्सेंट चेक कर लेते हैं, इंडियन भी आप देख सकते हैं, इटालियन भी है इसमें, और ब्रिटिश जनरल स्कॉटिश, ब्रिटिश जनरल ब्रिटिश हम चेक करते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स 134 है, ये तो ब्रिटिश 134 इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल खैर मेरे पास 134 टाइटल्स आ रहे हैं जो सारे के सारे लैंग्वेज, और आप इसमें मेल सेलेक्ट करें, फ़िल्टर आउट करें तो 86 आइटम्स आ जाती हैं अगर आप एज अ मेल काम कर रहे हैं। और एज अ फीमेल हैं तो आप वो फीमेल का भी फ़िल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि एज अ फीमेल कितने भी आती हैं। कुछ ज़्यादा इतना है, मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट बुक सेलेक्ट करें और अपने ये फ़िल्टर्स वगैरह ओके करें तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी। और बुक ऐसे ही है जैसे आप कोई भी किसी क्लास की बुक पढ़ते हैं, बस उसको थोड़ा सा स्टोरी की शेप देनी पड़ती है, क्योंकि आप जैसे एक स्टोरी सुना रहे हैं। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया, अदरवाइज आप कुछ वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे वेटिंग इन द स्काई मैं एक चेक कर रहा हूँ। और इसमें लैंग्वेज इंग्लिश है, मेल ऑब्वियसली, अडल्ट हैं, एक्सेंट ब्रिटिश जनरल, जो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ उसी के मुताबिक आया हुआ है, ब्रिटिश जनरल ब्रिटिश के। और इसकी अमाउंट आ रही है $5,200 और 11 घंटे का टाइम है। तो अगर फॉर एग्जांपल 50 में सेलेक्ट करता हूँ या फॉर एग्जांपल ये 100 सेलेक्ट करता हूँ तो 100 को 11.2 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक $1,120 जो हैं वो मुझे इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का मिल जाएंगे। बट ओके चीज़ है, 10,400 इसके वर्ड काउंट्स हैं, ये भी आप चीज़ चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और बुक ये है, ये 76 अच्छा यहाँ पे रॉयल्टी शेयर्स देखे, ये रॉयल्टी शेयर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अनस्पेसिफाइड आर रेट है, कोई भी नहीं है, जैसे रॉयल्टी शेयर के आपको सेल के ऊपर कितनी भी अमाउंट है वो उसकी रिसीव हो जाएगी। यंग एडल्ट चाहिए, मेल चाहिए, और एक्सेंट मैस्कुलिन होनी चाहिए, मेरी पता नहीं है कि नहीं आवाज़ मैस्कुलिन, ये भी आप इसकी डिटेल इसके ऊपर चेक करें। थोड़ा ब्रीफली आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल सारे का सारा स्नैरियो कंप्लीट पता चल जाए। 6.5 आवर्स की ये बुक है तो मतलब एक घंटा करके आप इसको कर सकते हैं। अगर चैप्टर वन 120 मिनट्स इसकी एक एक्चुअल लिमिटेशन है तो आप इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके भी कर सकते हैं। ये ऑडियो ऑडिशन है, आप इसको डाउनलोड करें स्क्रिप्ट को, जस्ट एज इट इज़ पेपर्स के साथ आपके पास आ जाती है, ये मैंने कर लिया। तो जैसे मैनी पीपल बिलीव दैट, तो ये आप सारी के सारी चेक कर लेते हैं। ये भी मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ अपने फॉर्मेट में ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कैसी पढ़ी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनी पीपल बिलीव दैट द गुड गो टू हेवन एंड द बैड गो टू हेल, दैट्स काइंड ऑफ ट्रू बट द स्टोरी इज ऑलवेज मिस अ स्टेप, सी हेल इज इन द डेस्टिनेशन ऑफ सम, इट्स द जर्नी ऑफ ऑल एंड नॉट एवरीवन मेक्स इट टू द एंड। ये एक राइट मतलब एक सैम्पल दिया आपको कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब आके आप अपना भी बेहतर देखिए। इसके बाद आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऑब्वियसली एक दो दफ़ा पढ़ना पड़ेगा कि क्या आप कह रहे हैं क्या नहीं, लिखा क्या होगा। अपलोड करें ऑडिशन को, और अपलोड करने के बाद आप CX से अपने वॉइस के मुताबिक और भी टाइटल देख सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको कंफर्मेशन हो जाती है वाया ईमेल आ जाए या सेम वेबसाइट आपके अकाउंट के ऊपर आ जाती है कि कैसे है। जैसे अभी ये कुछ और हैं, टाइटल एक्सेप्टिंग ऑडिशंस और 1155 टाइटल्स मैच योर सर्च, ये भी आप डिटेल इसमें चेक कर लें। 1155 A to Z आप थोड़ी थोड़ी डिटेल चेक करेंगे, मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था कुछ इसकी कुछ सैंपल्स मैंने सबमिट किए हैं ऑलरेडी और उनकी सबमिशन के बाद मुझे तो कुछ आइडिया हो गया। तो अब उनके अब ये ऑथर की सिलेक्शन के ऊपर है, आप थोड़ा पूरा कॉन्फिडेंस रख के इस चीज़ को आप ओके करें और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि अगर आप सिलेक्शन हो जाती हैं दैट्स वेरी गुड। कुछ चार और सिलेक्ट करते हैं तो 198 नहीं ये नहीं ज़्यादा होने चाहिए मेल, हाँ ठीक है, तो 335 टाइटल्स हैं। ये आप अपनी अमाउंट चेक कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा लें कि मैं वहाँ $50 से $400 तक कर सकता हूँ। उसके बाद फाइवर पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली लीगल प्रोसीजर है,
नहीं टक की ऑप्शन है, अब ये सारे हैं, अब इनमें से आप देखें आपको कितना पे किया जा रहा है ACX के ऊपर, और यहाँ पर आप चेक कर लें कि इनमें से काम कौन सा ले रहा है। तो आप फाइबर के ऊपर यही काम इनको दे दें, इनसे जो आउटपुट आए वो डायरेक्टली आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लीगल चीज़ है, आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपने वर्किंग करवानी है। अगर वो आपके लिए काम कर देते हैं इट्स ओके। बुक्स की भी सिलेक्ट कर लें कौन सी बेहतर है, ये 3.2 आवर्स की है और इसका बजट 50 to 100, इनमें से चेक कर लें कि इसके कौन से काम दे रहा है। 100 to 50 से, 50 to 100 से जो भी कम दे रहा है आप उसको डायरेक्टली ये ऑर्डर असाइन कर दें। बट इन केस इट मस्ट डिपेंड ऑन योर एक्सेप्टेंस बाय द ऑथर कि वो आपको सेलेक्ट करके ओके करते हैं कि हाँ नहीं भी कर सकते। आई होप आपको कुछ बहुत समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई रिमेनिंग रह गई हुई तो मैं बाकी कमेंट्स में देख के इसकी फर्दर प्रोसेस फर्दर इस चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।